हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपराज चंद्रकर और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पीआई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का आप क्रैश कोर्स देख रहे हैं। अभी तक आप रोलिंग के बारे में जान चुके हैं, है ना? प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं आप मशीनिंग, मेटल कटिंग और रोलिंग के बारे में अभी तक जान चुके हैं। जो जिनके लिए पहला लेक्चर है, आप फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कीजिए। इससे पहले भी ऑल लेक्चर्स हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और रही बात बहुत सारे जो मैं कमेंट्स देखता हूँ उसमें ये है कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा पीडीएफ। हाँ, तो उसका सेटिंग ना उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी। हम मैंने बोला है जहाँ से ये होता है, लेकिन मुझे लगता है अभी तक नहीं हो पाया। सो आप टेलीग्राम में जाइए प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, है ना? वहाँ यहाँ पे कमेंट करने से वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। सो इट्स रिक्वेस्ट कि आप टेलीग्राम में जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वही पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, है ना? टेलीग्राम हमारा ऑफिशियल चैनल है। उसमें आप जाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिल रहा है तो जाके सिर्फ एक बार बोलिए, कोई ना कोई शेयर कर देगा, गारंटी है। ठीक है, ठीक है भाई। लास्ट क्लास में हमने रोलिंग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे फोर्जिंग के बारे में, ठीक है ना? फोर्जिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन, ये सब के बारे में कोशिश करेंगे कि आज पढ़ लें। अगर मैं फोर्जिंग के बारे में बात करूं, फोर्जिंग होता क्या है कि आपका, अगर मैं सिंपल बोलूं तो आप ब्लैक स्मिथिंग प्रोसेस किए होगे, है ना, कॉलेज में, या आप किसी लोहार को देखे होगे कि लोहा को गर्म करके वो हथौड़े से, हैमर से मारता है। दैट इज नथिंग बट अ फोर्जिंग प्रोसेस, ओपन डाई फोर्जिंग, है ना, क्लोज डाई फोर्जिंग। इस तरीके से आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। अगर मैं कहूँ एक ओपन डाई फोर्जिंग, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है कि देयर विल बी, अ डाई एंड ये लोअर हाफ है डाई का, ये अपर हाफ है। अपर हाफ इन जनरल मूव करता है, लोअर हाफ जो रहता है वो फिक्स रहता है, ठीक है ना? ये डाई हो गया डाई का लोअर हाफ, ये डाई हो गया डाई का अपर हाफ। और यहाँ पे जैसे कि मेरा कोई रॉ मटेरियल रखा है और इसको प्रेस कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। देखिए, आप चाहते हैं कि ये सीधा है, आप चाहते हैं मैरिट। देखिए, अभी ब्लैक कलर का बनाया हूँ, वो इन जनरल आपको देखने को मिलता है ना, अगर सिलेंड्रिकल जॉब रहा तो। इस तरीके से कुछ आप चाहते हैं। आप तो चाहते हैं ये जो रेड मार्क किया हूँ वैसा है, वैसा है, लेकिन ये पोर्शन इस तरीके से आ गया। अगर ये वर्कपीस हीटेड है और डाई कूलर है ना, डाई ठंडा है, तो ये वाला जो सरफेस है वो जल्दी ठंडा होगा कंपेयर टू ये वाले सरफेस से। जैसे ही प्रेस करोगे तो ये वाला सरफेस ज़्यादा फ्लो होने की कोशिश करेगा कंपेयर टू ये सरफेसेस जो हैं। साथ के साथ यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, साथ के साथ फ्रिक्शन है जो इसको रोकेगा, ठीक। देख रहे हो, ये बॉटम सरफेस और अपर सरफेस, टॉप सरफेस फ्लो नहीं हुआ है, लेकिन मिडिल सरफेस आपका ज़्यादा फ्लो हो गया है। और इस तरीके का जो इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं बैरेलिंग इफेक्ट। बैरेलिंग इफेक्ट ये एक तरीके का डिफेक्ट क्रिएट करता है अपने जॉब में, और हम नहीं चाहते कि ये आपका हो, है ना? इन जनरल ये आप सोचोगे कि भाई किसी भी तरीके से इसको अवॉइड कर सकूं, है ना? ये चीजें होती है। नाउ माय डियर, सो दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्जिंग। और फोर्जिंग में ना एक चीज और याद रखना, फोर्जिंग क्या, मेटल फॉर्मिंग में पूरा आपको याद रखना है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब परफेक्टली प्लास्टिक जोन मैं एज्यूम कर सकता हूँ जहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अगर आपका जो जॉब आया होगा उसका इनिशियल एरिया ए नॉट माना और उसका इनिशियल लेंथ अगर एल नॉट माना, सो इट शुड बी इक्वल टू, अभी जब ये जॉब आप प्रोड्यूस किए तो उसका जो फाइनल एरिया होगा और उसका जो फाइनल लेंथ होगा वो बराबर होना चाहिए। मतलब जो वॉल्यूम है दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, दैट शुड बी कॉन्स्टेंट। सो ये याद रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल सिलेंड्रिकल जॉब है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर डी नॉट स्क्वायर, इनिशियल डाया, इनिशियल लेंथ और इनिशियल हाइट कंसिडर कर सकते हो, लेंथ की जगह हाइट हो सकता है। सिमिलरली पाई बाई फोर डी एफ स्क्वायर एल, इस तरीके से
हो सकता है ठीक। फॉर द सिलेंड्रिकल जॉब यू कैन कंसिडर दिस वन। सो ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में रहेगा, इस तरीके से हमने बात किया। और जितना मैं बताया हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं फोर्जिंग में वो हो जाएंगे आपसे, हो जाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा प्लास्टिक, यार वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करना है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करना है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करके अगर आप निकालते जाओगे तो आपसे होते जाएगा। लेकिन फोर्जिंग में ज़्यादा क्या पूछा जाता है, फोर्जिंग में पूछा जाता है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो उसके लिए आपको जानना चाहिए ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन, ये क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इट विल बी लाइक दिस। अप टू यील्ड पॉइंट ये कंसिडर किया जाता है कि अप टू, वैसे तो इलास्टिक के बाद ही थोड़ी चीजें अलग देखने को मिलेंगी, लेकिन अप टू यील्ड पॉइंट तक ये कंसिडर किया जाता है कि इलास्टिक और लेट अस अज्यूम ये यील्ड पॉइंट है। सो अप टू यील्ड पॉइंट तक इलास्टिक स्ट्रेस सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अप टू यील्ड पॉइंट तक आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोनों सेम होता है, ये माना जाता है। देखिए जो ब्लू कलर का है वो मैंने जो बनाया है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, इसमें ये फ्रैक्चर पॉइंट है तो ये मैक्सिमम लिमिट, उसी के बाद ये फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका फ्लो कर्व है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए, और ये जो फॉलो करता है वो होता है ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन टी टू दी पावर एन। इन जनरल जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉलो करता है आफ्टर दिस लिमिट यील्ड के पॉइंट के बाद जो फॉलो करता है वो कहलाता है फ्लो स्ट्रेस कर्व। ये जो फॉर्मूला दिया हूँ है ना, सिग्मा टी इक्वल टू के एप्सिलॉन टी टू द पावर एन, वेयर सिग्मा टी इज द ट्रू स्ट्रेन, एप्सिलॉन टी इज द ट्रू स्ट्रेन एंड के इज द स्ट्रेंथ कोफिशियंट। और स्ट्रेंथ कोफिशियंट का यूनिट सेम होगा जैसा स्ट्रेस का यूनिट होता है, ठीक है ना, मेगा पास्कल में। और यहाँ पे जो एन है उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, और ये पूरा लॉ कहलाता है पावर लॉ और हॉलोमैन लॉ। और हॉलोमैन लॉ कहा जाता है। अगर मैं इसमें बोलूं तो सिग्मा टी इज व्हाट ट्रू स्ट्रेस, एप्सिलॉन टी इज व्हाट ट्रू स्ट्रेन, और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन को ही नेचुरल स्ट्रेस स्ट्रेन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल स्ट्रेस, नेचुरल स्ट्रेन। नेचुरल स्ट्रेन ठीक। सो नेचुरल स्ट्रेस नेचुरल स्ट्रेन। अगर मैं बोलूं इन जनरल आपका जो स्ट्रेस होता है उसका यूनिट क्या होता है, मेगा पास्कल में होगा, दैट इज योर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इस तरीके से। ये तो यूनिटलेस होने वाला है। यहाँ पे आपका और क्या है, के है, के इज नथिंग बट योर स्ट्रेंथ कोफिशियंट, के इज स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, इसका यूनिट भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगा। और जो एन है वो कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट और वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट। एन की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो एन इक्वल टू जीरो कंसिडर किया जाता है फॉर द परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए ना, और एन इक्वल टू वन फॉर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब एन की वैल्यू जीरो से वन के बीच हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल ना तो परफेक्टली इलास्टिक होता है ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होता है ना। सो एन की वैल्यू फॉर इन जनरल, अगर मैं बोलूं इन जनरल
फॉर मोस्ट ऑफ मटेरियल मोस्ट ऑफ मटेरियल एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 लेस देन 0.5 इसके बीच वेरी करता है। मतलब एक बार ये सवाल पूछा भी गया था गेट 2015 में कि वहां पे ये दे दिया था कि आपका एक स्टील का ग्रेड दे दिया था, कोई नाम दे दिया था स्टील का जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है, और साथ के साथ बोला था कि इट इज व्हाट देयर इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विद द डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट। वो परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है। अगर अगर मैं आपसे बात करूं अगर मैं आपसे बात करूं हाँ ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, तो यार आपको ना इस तरीके से मानना चाहिए या स्ट्रेस हो गया है ना, ये हो गया स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी मानना है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक। आप ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में कर रहा हूँ। सो आपका परफेक्टली प्लास्टिक किसको माना जाएगा, इसको परफेक्टली प्लास्टिक माना जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, इसको आइडियल रिजिड, ठीक। सो आपको कोई परफेक्टली इलास्टिक का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछेगा तो ये होना चाहिए, लेकिन इन जनरल आप देखे होंगे जब सवाल आता है तो इस तरीके से कुछ दिया रहता है, और परफेक्टली प्लास्टिक आप कई जगह पढ़े होंगे कि सर अभी देखना ना, कई लोग यही बोलना शुरू कर देंगे कि सर है ना आप गलत बता रहे हैं कि परफेक्टली प्लास्टिक नहीं, ये नहीं होगा, परफेक्टली प्लास्टिक ये होगा, दिस इज द परफेक्टली प्लास्टिक। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है देन यू कैन गो फॉर दैट वन। ये क्या हुआ, आइडियल रिजिड प्लस परफेक्टली प्लास्टिक है, आइडियल रिजिड प्लस परफेक्टली प्लास्टिक है। सो इसको परफेक्टली प्लास्टिक के कैटेगरी में भले डाल देते हैं, लेकिन ये परफेक्टली प्लास्टिक अगर जिस तरीके से डिफाइन किया गया उस तरीके से देखोगे तो नहीं है, नहीं है, ये आइडियल रिजिड प्लस परफेक्टली प्लास्टिक है, ठीक है ना। सो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं कहूं आपको लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक, सो आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरीके से, सॉरी हाँ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन बोलो या इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन बोलो, है ना, मैं यहाँ पे इसको सिग्मा नॉट, अब देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा नॉट से दिखा रहा हूँ और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को ई से दिखा रहा हूँ। क्या होता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, है ना, और ट्रू स्ट्रेस के बारे में भी पूरा डिटेल बात नहीं किया हूँ, धीरे से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सो इसमें अगर मैं आपको पूछूं लीनियर इलास्टिक के लिए, सो लीनियर इलास्टिक का एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगा, सो दिस इज योर लीनियर इलास्टिक, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर इलास्टिक के लिए है, लीनियर इलास्टिक के लिए, ठीक, नोट करते जाइए। सिमिलरली अगर मैं कहूं आपका लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, तो क्या आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। अब अपने को पता चल गया है कि ये अगर स्ट्रेन है, ये अगर स्ट्रेस है, सो लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक। सो लीनियर इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक भी रहा, या आपका जिसको आप इन जनरल कंसिडर करते परफेक्टली प्लास्टिक है ना, सो इसमें ना कोई डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट नहीं दिखने वाला, डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट नहीं दिखने वाला। सो इसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं n इक्वल टू जीरो, ठीक, इसके लिए भी कंसिडर कर सकता हूं बिकॉज दिस इज योर लिनियर इलास्टिक, उसके बाद जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो परफेक्टली प्लास्टिक है, दैट टाइम आई कैन कंसिडर n इक्वल टू जीरो। बट इफ देयर इज डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट, इफ देयर इज डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट, इट मींस दैट वो इन जनरल जो मटेरियल है ना उसी पे आएगा, जैसे कि मैं बोलूं जो भी मटेरियल है नॉर्मली प्रैक्टिकली जितने भी आपके मटेरियल हैं वो ना तो परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है ना ही परफेक्टली प्लास्टिक हो सकता है। सो वहां पे अगर मैं बात करूं, ये कोई नहीं बोलेगा सर लीनियर इलास्टिक यहां तक, ये तो आपका क्या हुआ, जस्ट एक जोन हुआ, मेन डिफॉर्मेशन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है वो यहां पे हो रहा है। सो इसके लिए भी आप इसके लिए n इक्वल टू जीरो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, n इक्वल टू जीरो कंसिडर कर सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक और लिनियर इलास्टिक के लिए n इक्वल टू वन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल इस तरीके से नहीं मिलता है ना। आपका अगर मैं बोलूं स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग
ये देखिए, लीनियर इलास्टिक हुआ ये, स्ट्रेन हार्डनिंग इज दिस वन, कि स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग। सो ये क्या हुआ, इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक। स्ट्रेन हार्डनिंग, ये क्या था, लीनियर इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। इस तरीके से होने वाला है। नाउ माय डियर, आपका जैसा कि मैंने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोल दिया, तो परफेक्टली प्लास्टिक के लिए आपको एन इक्वल टू जीरो कंसीडर करना चाहिए। इवन दो अगर लीनियर इलास्टिक किसी के मन में डाउट आ रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन छोड़ के इसके लिए परफेक्टली प्लास्टिक बोला तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर लीनियर इलास्टिक आ गया तो यस, एन इक्वल टू जीरो कंसिडर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें इलास्टिक भी है, इलास्टिक भी है, तो थोड़ा ना थोड़ा उसमें रह जाएगा, स्ट्रेन रह जाएगा। सो दैट्स वाई ये अपन बात नहीं करने वाले कि भाई परफेक्टली इसको छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे है ना, जैसे कि यहाँ तक स्ट्रेस ले आया, स्ट्रेस ले आया, स्ट्रेस तो यहाँ तक जैसे ही आएगा उसके बाद ये मेटल फ्लो हो जाएगा, मेटल अगर फ्लो हो गया उसके बाद इसको छोड़ूंगा, सो ये वाला स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन जो रहेगा वो रिकवर हो जाएगा, और ये जितना परफेक्टली प्लास्टिक में आपका क्या हुआ है, जो पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन हुआ है वही डिफॉर्मेशन रहने वाला है, ठीक है। सो एन इक्वल टू जीरो फॉर द परफेक्टली प्लास्टिक, एन इक्वल टू वन फॉर द परफेक्टली इलास्टिक, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो होते हैं ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होता है, मतलब एन की वैल्यू जीरो से वन के बीच होगी, एन की वैल्यू जीरो से वन के बीच होगी। आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए प्रॉपर, है ना। सो जितना मैं बताया हूँ उसको जस्ट फॉलो करो भाई, इससे पहले जहां भी जो भी सुने हो भूल जाओ। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके का, है ना, कोई कि सर ऐसा होता है, सब ऐसा होता है, नहीं नहीं जो होता है यही होता है, अल्टीमेटली मैं आपको कंक्लूड करके दिखा सकता हूँ। सो दैट्स वाई समय को ध्यान रखते हुए आपको मैं कह रहा हूँ आप फॉलो कीजिए। टिल नाउ अभी तक फॉलो किए, आपके सवाल बन रहे हैं, आगे भी आपसे बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए, अगर अगर मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर ये जो मटेरियल था जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे थे, चाहे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन हो या आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन हो, यहाँ कहीं तक खींचा, यील्ड पॉइंट से ऊपर तक खींचा, मैं यील्ड पॉइंट से ऊपर तक खींचा, ये यील्ड पॉइंट था उसके के ऊपर तक खींचा, उसके बाद छोड़ दिया, अगर छोड़ दूंगा ना तो ये इस तरीके से आएगा। ये जो रेड लाइन है इसका जो स्लोप है ये ब्लू लाइन के स्लोप के बराबर होगा, और ब्लू लाइन का स्लोप जो था वो आपका यंग्स मॉडुलस के बराबर था, ठीक। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज ई, एंड ई इक्वल टू डेल सिग्मा बाय डेल एप्सिलॉन या डेल ई। अभी अगर 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 मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ लिया तब, ठीक, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन लिया तब, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन लोगे तब भी, है ना, अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन लोगे तो सिग्मा टी हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा, लो लो भाई एप्सिलॉन टी, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका स्लोप आने वाला है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रेस लिया, लेट अस अज्यूम दिस इज योर सिग्मा टी वन, और यहाँ पे जो स्ट्रेन आया उसको मैंने एप्सिलॉन टी वन बोला। सिमिलरली मैं यहाँ कहीं कितना स्ट्रेन है वो देखना चाह रहा हूँ, सो इसको मैंने मान लिया सिग्मा टी टू, और इसको मैंने मान लिया एप्सिलॉन टी टू। सो ये स्ट्रेन देखना है इस स्ट्रेस पे, सो इसको पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए जो भी वैल्यू है, सिग्मा टी वन माइनस एप्सिलॉन टी वन, सॉरी सिग्मा टी वन माइनस सिग्मा टी टू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन टी वन माइनस एप्सिलॉन टी टू। सो यार ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, सिर्फ एप्सिलॉन टी टू निकालना है, और ई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस आपको दिया रहेगा, सो इस तरीके से आपको निकालना रहेगा, ठीक ठीक। सो टिल नाउ आप नोट कर लिए, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करूँ अगर, जिसको आप नेचुरल स्ट्रेस भी कह रहे थे, है ना, ट्रू स्ट्रेस और नेचुरल स्ट्रेस, सो इट इज योर अप्लाइड लोड, कहीं पे आपका लोड अप्लाइड है, लेट अस अज्यूम पी, है ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एरिया होगा, इंस्टेंटेनियस एरिया,
A is your instantaneous area. Let us assume P is your applied load. Take A is your instantaneous area. सिमिलरली अगर मैं कहूं ए नॉट जो बताया था वो क्या है, इनिशियल एरिया और ओरिजिनल एरिया जहां से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किए या आप जहां पे स्ट्रेस देना शुरू किए, है ना, ये स्ट्रेस फ्री एरिया जिसमें बिल्कुल भी आपका स्ट्रेस नहीं आया, वो वाला एरिया है इनिशियल एरिया। सिमिलरली एल नॉट आपका इनिशियल लेंथ होगा, L is instantaneous length, instantaneous length इस तरीके से रहने वाला है। अब देखिए आपको मैंने कहा ये true stress है, that is your load upon instantaneous area, instantaneous area is true stress. Similarly true strain is what change in length upon instantaneous length will be true strain, ठीक। So actually ना आप बात करते हैं, ज़्यादातर आपको जो चीज़ें दिखती है वो आपको इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन दिखता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एरिया मेजर करना है। इंस्टेंटेनियस एरिया मतलब समझ रहे हैं आप, कोई वर्क पीस को अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाते जा रहा हूँ तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज होते जाएगा। तो यार पर्टिकुलर टाइम पे कितना जो फोर्स लगा है वो और इसका एरिया कितना है वो मेजर करके आप डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो आप फंस जाएंगे, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात करूं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट इज योर सिग्मा नॉट इक्वल टू पी अपॉन ए नॉट, दैट इज योर लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। सिमिलरली अगर मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोला तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सो दिस इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दिस इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। यह है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सो ये इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन। सो अपना जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन है उसको कन्वर्ट करूंगा, मतलब उसको एक फॉर्मूले में इस तरीके से मैं लाना चाहूंगा जो जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन हो, क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का डेटा बहुत इजिली मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। सो दैट्स वाई मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन को चाहता हूं कि इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन आ जाए। सो यार सिग्मा टी P by A है, वेयर A इज द इंस्टेंटेनियस एरिया। सो इसको A नॉट से मल्टीप्लाई किया, A नॉट से डिवाइड कर दिया, A नॉट से मल्टीप्लाई किया और A नॉट से डिवाइड कर दिया, ठीक। सो आपका P by A नॉट इज व्हाट P by A नॉट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा नॉट इनटू आपका बच रहा है A नॉट बाय A। और A नॉट बाय A अगर मैं कहूं तो यार फॉर द परफेक्टली प्लास्टिक रीजन A नॉट L नॉट इक्वल टू A L, यही तो था, वेयर A इज द इंस्टेंटेनियस एरिया, L इज द इंस्टेंटेनियस लेंथ, A नॉट इज ओरिजिनल एरिया, L नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ और इनिशियल लेंथ। सो यहां से अगर आप चाहें A नॉट बाय A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L बाय L नॉट, सिंपल। सो L बाय L नॉट यहां पे लिख सकता हूं। सो सिग्मा नॉट into L by L naught. So L क्या है? Instantaneous area है. L क्या है? Instantaneous length है. So अगर ये instantaneous length है, इसको erase कर रहा हूँ। अगर वो instantaneous length है, तो for example अगर मैं tensile test किया, ये देखिए, ये tensile है। इसमें कोई फोर्स लगाया P, सो इसमें कुछ चेंज आया लेंथ में, लेट अस अज्यूम पहले कितना था लेंथ, L नॉट था, अभी ये डेल L है, DL बोल दिया।
सो ये इंस्टेंटेनियस लेंथ हो गया एल। ये कौन सा है आपका? टेंसाइल है। सो टेंसाइल की केस में इंस्टेंटेनियस लेंथ मैं लिख सकता हूं एल नॉट प्लस डीएल, एल नॉट प्लस डीएल। सो यार मेरे पास जो था सिग्मा ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा नॉट एल बाय एल नॉट, तो एल को मैं लिख सकता हूं, एल को लिख सकता हूं एल नॉट प्लस डी एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। सो यहां से ये हो जाएगा सिग्मा नॉट वन डिवाइडेड बाई डी एल बाई एल नॉट, और डी एल बाई एल नॉट, डी एल बाई एल नॉट इज ई इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सो इसको वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सो ये ट्रू स्ट्रेस में ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। सो ट्रू स्ट्रेस कन्वर्ट हो गया इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये टेंसाइल के लिए हुआ, ये टेंसाइल के लिए हुआ। अगर ये कंप्रेसिव होता तो आपका इंस्टेंटेनियस लेंथ क्या होता? एल नॉट माइनस डी एल। अगर मैं कंप्रेसिव की बात करता है ना भाई, आपको वीडियो रोक रोक के नोट करना रहेगा। मैं चाहता हूं कि जितने टाइम का वीडियो है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए, है ना। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा चीजों को जल्दी जल्दी इरेज कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म है तो मुझे लगता है हेल्प मिलने वाला है, आप आराम से चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं। अगर मैं कहूं कि ये आपका टेंसाइल के लिए है, टेंसाइल अगर कंप्रेसिव होता, कंप्रेसिव होता तो ये क्या होता है एल नॉट माइनस डी एल, मतलब यहां पे एल नॉट माइनस डी एल बाई एल नॉट हो जाता है ना, मतलब वन माइनस डी एल बाई एल नॉट। मतलब फॉर कंप्रेसिव आई कैन से सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा नॉट विच इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस वन माइनस ई। सो दिस इज फॉर कंप्रेसिव, कंप्रेसिव के लिए कह सकता हूं, ठीक। सो हमने ट्रू स्ट्रेस को इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमने कर लिया। अब बारी है किसका? दैट इज योर ट्रू स्ट्रेन का। अगर मैं ट्रू स्ट्रेन देखना चाहूं तो लेट अस अज्यूम इट विल बी फॉर छोटे से सेक्शन के लिए, तो डीएल बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ। सो टोटल ट्रू स्ट्रेन देखना चाहूं, टोटल ट्रू स्ट्रेन, सो वो कहां से? ओरिजिनल लेंथ से इंस्टेंटेनियस लेंथ तक, ओरिजिनल लेंथ से इंस्टेंटेनियस लेंथ तक डीएल बाय एल। सो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी लॉग एल। एल नॉट टू एल, वेयर एल नॉट ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ से यहां से लेके मैं देखना चाह रहा हूं यहां तक इंस्टेंटेनियस लेंथ तक, तो वही किया। सो आपका देखिए ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन को इस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, इंस्टेंटेनियस लॉग इंस्टेंटेनियस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल बाई एल नॉट। सो ये ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन का एक फॉर्मूला हो गया, ट्रू स्ट्रेन का एक फॉर्मूला हो गया। एल क्या था? इंस्टेंटेनियस लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ उस पर्टिकुलर लोड पे, ये फाइनल लेंथ हुआ और ये ओरिजिनल लेंथ हुआ, तो लॉग फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और इनिशियल लेंथ विल बी द ट्रू स्ट्रेन, विल बी द ट्रू स्ट्रेन, ठीक भाई। सिमिलरली एल बाय एल नॉट, एल बाय एल नॉट अगर आपका टेंसाइल रहा तो एल बाय एल नॉट, ये तो एल बाय एल नॉट ही था ना, एल बाय एल नॉट था। सो एल बाई एल नॉट को वन प्लस ई लिख सकता हूं फॉर द टेंसाइल, और कंप्रेसिव रहा तो वन माइनस ई। सो फॉर द टेंसाइल ट्रू स्ट्रेन आई कैन राइट लॉग वन प्लस एप्सिलॉन, कहां से आया? एल इक्वल टू एल नॉट प्लस डी एल से, है ना। ये टेंसाइल के लिए हुआ, ये टेंसाइल के लिए हुआ। सो आपका ट्रू स्ट्रेन इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन टेंसाइल के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, और ट्रू स्ट्रेन इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन फॉर कंप्रेसिव के लिए माइनस आ जाएगा सिर्फ, कंप्रेसिव के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक। इसके अलावा यार आपके पास एल बाई एल नॉट इक्वल टू क्या था? ए नॉट बाई ए था। So, मतलब मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि आप इसको लिख सकते हैं एरिया के फॉर्म में। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन टी इक्वल टू लॉग
ए नॉट बाय ए लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो योर ट्रू स्ट्रेन। सो देखिए ट्रू स्ट्रेन के कितने फॉर्मूले हो गए, वन टू टेंसाइल टेंसाइल, या आपका ये टेंसा ये कंप्रेसिव है तो ये कंप्रेसिव और ये कंप्रेसिव है ना, ये भी कंप्रेसिव के लिए हो जाएगा। तो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो बस ध्यान रखना सिर्फ एक जगह चेंज होगा इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन अगर देखना चाह रहे हो तो माइनस में हो गया, बाकी टाइम तो ठीक है भाई आपके पास तो लेंथ तो रहेगा इंस्टेंटेनियस लेंथ है ना, तो आराम से आप निकाल सकते हो। अगर इंस्टेंटेनियस लेंथ नहीं है तो एरिया दिया होगा, ओरिजिनल एरिया और इंस्टेंटेनियस एरिया, हो सकता है वो सिलेंड्रिकल जॉब होगा सो वो आपका डाया के टर्म में दिया होगा, तो पाई बाई फोर डी नॉट स्क्वायर, वेयर डी नॉट इज द ओरिजिनल डाया एंड पाई बाई फोर डी स्क्वायर, डी इज द इंस्टेंटेनियस डाया, इंस्टेंटेनियस डाया लिख लेना, लिख लेना, डी नॉट इज द ओरिजिनल डाया, डी इज द इंस्टेंटेनियस डाया। क्या होता है आप लिखते नहीं हो उसके बाद में ढूंढते रहते हो कि यार ये क्या था, सो लिख लेना कॉपी में तुरंत हर चीज, मैं लिख लिख के बताऊं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं उस चीज को आपको फॉलो करना है, ठीक, मुझे आता है आपको सीखना है, मुझे आता है आपको सीखना है, इस बात का ध्यान रखना है भाई, और आपको एग्जाम क्रैक करना है। मैंने क्रैक कर लिया, मैं IIT बॉम्बे से पढ़ लिया भाई, अब आपको करना है और डेफिनेटली कर लेंगे, फॉलो कीजिए, ठीक। सो यहां पे पाई बाय फोर कैंसल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका टू लॉग डी नॉट बाय डी, सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन So, देखो डाया के फॉर्म में भी, डाया के फॉर्म में भी आप ट्रू स्ट्रेन को लिख सकते हैं, ट्रू स्ट्रेन को लिख सकते हैं, ठीक भाई। सो टिल नाउ हमने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का बात कर लिया इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के टर्म में, ठीक है ना। एक चीज और एक चीज आपको जो जानना है यार, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो फ्लो कर्व है के एप्सिलॉन टी टू द पावर एन, ये जो कर्व है इसमें अल्टीमेट पॉइंट पे या मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन पे एट अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट मतलब मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन, मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन आप कह सकते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट एन इक्वल टू एप्सिलॉन टी, एन इक्वल टू एट मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन एन इक्वल टू क्या होने वाला है, एप्सिलॉन टी हो जाएगा, एन इक्वल टू एप्सिलॉन टी। मतलब कोई ये क्वेश्चन दे दिया रहा है, इसमें ये डेटा दे दिया है, ये डेटा दे दिया है, सिग्मा टी निकालने बोल रहा है, ये दिया है, ये दिया है, एप्सिलॉन टी नहीं दिया, लेकिन ट्रू स्ट्रेस निकालने बोल रहा है एट द मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन। सो एट द मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन आप क्या रख देंगे, एन, जैसे एन अगर 0.1 रहा सो एप्सिलॉन टी इक्वल टू 0.1, तो के की वैल्यू दे रखा था, के की जो भी वैल्यू दे रखा था वो के इनटू 0.1 टू द पावर 0.1, आपका मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन में मैक्सिमम स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। सो टिल नाउ हमने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई इस पे बेस्ड है ना, बहुत सारे सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच के अटेम्प्ट करेंगे तो बन जाएगा। एकदम कॉमन क्वेश्चन रहता है, एकदम कॉमन क्वेश्चन रहता है, एक तो एकदम कॉमन क्वेश्चन रहता है कि यार किसी रॉड को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्जिंग कर रहा हूँ, एक सिलेंड्रिकल रॉड है या एक सिलेंड्रिकल बार है जिसको मैं फोर्जिंग कर रहा हूँ, और उसका पहले लेंथ था एल, अब उसका लेंथ कर दिया हाफ, सो उसमें ट्रू स्ट्रेन क्या होगा, एकदम कॉमन क्वेश्चन है ये, मे बी वो टेंशन में पूछे, मे बी कंप्रेशन में पूछे, है ना। सो ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो कई बार रिपीट हुआ, कई बार रिपीट हुआ, कई बार, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 8-10 बार, है ना, 8-10 बार से ज्यादा ये रिपीट हुआ है गेट एग्जाम के हिस्ट्री में, तो आप समझ रहे हो एक सवाल कई बार रिपीट हुआ है, और ज्यादातर ना ये हाफ और डबल वाला ही होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एल लेंथ का
या एल नॉट लेंथ कर रहा होगा आपके पास जॉब, इसको रिड्यूस कर दिया आप एल नॉट बाई टू, मतलब दिस इज योर इंस्टेंटेनियस लेंथ। ठीक, अब मैं कहूँ आपको कि ट्रू स्ट्रेन बताना है तो ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एल बाई एल नॉट, एल बाई एल नॉट। सो यार एल कितना है, एल बाई टू, सो लॉग एल नॉट बाई टू, एल नॉट ये कैंसल हो गया, सो लॉग वन बाई टू, लॉग वन बाई टू एप्सिलॉन टी। सो इसका माइनस 0.694 आना चाहिए, फिर भी मैं कर लेता हूँ भाई, ये वैल्यू तो याद हो जाता है। हाँ वही 93 आ रहा है, ठीक है, माइनस 0.693। इस तरीके का सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने के लिए कितने बार पूछा गया है, बाप रे, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक, सो मैं वर्कबुक में जो हमको क्रैश कोर्स में वर्कबुक मिला है ना, जो क्वेश्चन का पीडीएफ मिला है, अगेन ये टेलीग्राम में जाके ढूंढना भाई, यहाँ कमेंट नहीं करना है, हो गया, मैं सुन लिया आपकी बात। आप समझो इस सिचुएशन में ना लेक्चर कंटिन्यू शूट कर रहा है, एक्साइटमेंट रहता है लेक्चर का, कि जितना एक्साइटमेंट आपको पढ़ने का है उतना ही एक्साइटमेंट मुझे ये लेक्चर देने का रहता है। लेकिन जो सिचुएशन है ना, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, पैंडेमिक सिचुएशन है, गलती से अगर मेरी तबीयत खराब हुई, ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, सीरियसली मुझे लगता है कि अभी तक चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर नीचे हुआ है ना, तो आप इसके लिए भी पैनिक मत होइएगा कि कभी लेक्चर नहीं आया एक आध दिन, है ना, क्योंकि यार डेली लेक्चर प्लस बाकी काम है ना करना है, मैं तो जॉब में हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है। ठीक, मैं स्टूडेंट लाइफ में नहीं हूँ, मैं तो प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, ठीक है ना। सो काम तो मुझे करना रहेगा, अब अगर तबीयत खराब हो गई, हेल्थ इश्यू आ गया, तो बहुत तकलीफ होने वाला है। ये खैर आप लोगों का प्यार है, और इस तरीके से अगर प्यार मिलते रहेगा तो यार मिलकर कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर तक कर लेंगे मुझे लगता है, है ना, उससे पहले ही मैं आप लोगों को जो वादा किया हूँ वो कर दूंगा। प्रोडक्शन मैं अक्टूबर मिड तक निपटा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं मोस्ट प्रोबेबली थियरी ऑफ मशीन के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। सो चीज़ें अच्छी रहे, दुआ करते हैं, लेट्स होप, ठीक है ना, और आप लोगों के प्यार के लिए एकदम थैंक यू यार, है ना, इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद जहाँ तक अभी पहुँचे हैं वहाँ तक नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पूरा इरेज कर देता हूँ, मैंने अभी जस्ट फोर्जिंग के बारे में बात किया, एक्सट्रूजन और ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन न्यू व्हीकल देख लेंगे। ठीक, अच्छा, जो सिग्मा टी इक्वल टू एप्सिलॉन टी टू सिग्मा टी इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन टी टू द पावर एन था, उसको ना स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल आपका लीनियर इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग रहा या स्ट्रेन हार्डनिंग, मतलब जब भी स्ट्रेन हार्डनिंग का नाम आएगा तो वो कब फॉलो करना चाहिए, कौन सा, सिग्मा टी इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन टी टू द पावर एन वाला कर्व। ठीक है, अब देखिए अगर एक्सट्रूजन के बारे में बात करूं, सो यार डेली आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, सो इट इज काइंड ऑफ दैट वन, कि आपके पास एक डाई होने वाला है और एक कन्फाइंड सिलेंडर विल बी लाइक दिस, ये आपका एक अरेंजमेंट हो गया है ना, और इस तरीके से रहेगा, ये निकल रहा है रॉड। क्या करते हैं
एक्सट्रूजन में क्या करते हैं कि आपके पास ना एक रॉ मटेरियल होता है इन जनरल, दैट इज नोन एज बिलेट, बिलेट कहलाएगा। इसका अगर एरिया मैंने मान लिया ए नॉट है, बिलेट का एरिया ए नॉट मैंने मान लिया, ठीक, इनिशियल एरिया ए नॉट है, और इसको मैं एक प्लंजर से फोर्स दे रहा हूं, दिख रहा है। सो प्लंजर, तो प्लंजर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका क्या निकल रहा है, आपका प्रोडक्ट निकल रहा है, एंड प्रोडक्ट इज हैविंग अ एरिया ऑफ ए एफ, ए एफ इज योर एरिया ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो आपका जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है ना वो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। जैसे आप देखे होंगे टूथपेस्ट का जो डाई ओपनिंग होता है, टूथपेस्ट जैसे ही दबाओगे है ना, प्रेस करोगे, तो वो वाले जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग होता है, वहां से आपका टूथपेस्ट निकलता है, एक शेप में निकलता है। अगर वो शेप सर्कुलर है तो सर्कुलर निकलेगा, अगर उसको स्क्वायर बना दूंगा तो स्क्वायर निकलेगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है ना। सो मतलब यहाँ पे, और लेकिन वो हमेशा कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन का होगा, मतलब यहाँ पे डाई को मैं चेंज कर करके इसका शेप अलग अलग ले सकता हूं, अलग अलग बना सकता हूं, इसका शेप अलग अलग प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक। साथ के साथ जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, ये इसका लिमिटेशन है। अगर आप देख रहे होंगे तो बड़े एरिया से आप छोटे एरिया के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे कर्टेन रॉड, जो पर्दे के लिए रॉड नहीं लगता है, एल्यूमिनियम का रॉड, वो कहां से बनता है, आपका हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस से, ठीक। सो अगर मैं बोलूं तो आपका जो एरिया का रिडक्शन हुआ यार ए नॉट बाई ए एफ, वेयर ए नॉट इज द बिलेट एरिया, एफ इज द प्रोडक्ट एरिया, दिस इज नोन एज एक्सट्रूजन रेशियो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रूजन रेशियो। इसको कहते हैं एक्सट्रूजन रेशियो, जो कि अलग अलग मटेरियल के केस में अलग अलग पॉसिबल है, बहुत ज्यादा आपका एक्सट्रूजन रेशियो भी पॉसिबल है, यस, है ना। तो वो दिया रहेगा हमेशा आपको। और अगर मैं एक्सट्रूजन, जैसे आपको जस्ट एक एक्सट्रूजन प्रोसेस का इंफॉर्मेशन दिया कि इस तरीके से होता है, इसका अलग अलग टाइप भी होता है भाई, आपका फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। सो इस तरीके से आपको अलग अलग एक्सट्रूजन प्रोसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑलमोस्ट सेम होता है। ये कहलाएगा फॉरवर्ड, अगर फोर्स का डायरेक्शन, और यहाँ पे मैंने इसको ओपनिंग कर दिया, इसको ओपन कर दिया है ना, इसको बंद कर दिया, सो इसको फॉरवर्ड करूंगा तो जो ओपनिंग है वहां से मटेरियल निकलना शुरू करेगा, तो प्लंजर का मोशन इधर है, वर्क पीस का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका मोशन उधर हो जाएगा, तो उसको आप बैकवर्ड कह देंगे या इनडायरेक्ट कह देंगे, ये डायरेक्ट कहलाएगा या फॉरवर्ड कहलाएगा, ठीक। तो इस तरीके से एक्सट्रूजन को आप अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर इसमें मैं फॉर्मूलेस के बारे में बात करूं, देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मूलेस, बट फॉर द गेट एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं जो पूछा जाता है, ठीक। सो एक्सट्रूजन फोर्स, अगर कोई पूछा आपको एक्सट्रूजन फोर्स, सो लेट अस अज्यूम एफ इज द एक्सट्रूजन फोर्स, सो यहां पे ये हो जाएगा सिग्मा नॉट ए नॉट, वेयर सिग्मा नॉट इज द फ्लो स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस। इन जनरल वो दिया रहेगा एवरेज फ्लो स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस, इस तरीके से वो दिया रहेगा, ठीक है ना, दिया रहेगा। और ए नॉट इंटू लॉग ए नॉट बाई ए एफ, यहां पे ये बाकी चीज तो सेम रहेगा, ए नॉट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ए नॉट आपका, ए नॉट पे आप फोर्स दे रहे हैं, ए नॉट पे फोर्स दे रहे हैं, ठीक। आगे मैं ड्राइंग में दिखाऊंगा कि ए नॉट की जगह ए एप यूज करेंगे, बिकॉज वहां पे ए एप क्रॉस सेक्शन पे आप फोर्स लगाते हो, यहाँ पे ए नॉट क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं। सो दिस इज द फोर्स ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन, दिस इज द फोर्स ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन। अगर मैंने बोला आपको प्रेशर और स्ट्रेस, सो एफ बाई ए नॉट, एफ बाई ए नॉट, सो दिस इज द सिग्मा, है ना, ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन प्रोसेस। सो ये कह सकता हूं सिग्मा नॉट लॉग ए नॉट बाई ए एफ, ठीक। सो यार यहां पे जो सिग्मा नॉट है वो बार बार कह रहा हूं कि दिस इज द फ्लो स्ट्रेस, सिग्मा नॉट इज द फ्लो स्ट्रेस, और आपको ड्राइंग हो या एक्सट्रूजन हो
ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, फ्लो स्ट्रेस दिया रहेगा। अगर फ्लो स्ट्रेस नहीं दिया है तो आपको मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, है ना। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो टिप है ना, टिप, दिस इज यूज फॉर द बूथ एस्ट्रोजन एंड यूअर ड्रॉइंग। इवन दो फोर्जिंग में भी आपको देखने को मिलेगा फ्लो स्ट्रेस अगर निकालना रहेगा तो, ठीक है ना। जब भी फ्लो स्ट्रेस निकालना रहेगा तो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है पहला कि इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, अगर आपका इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है, अगर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है सो जो यील्ड स्ट्रेस होगा वही आपका फ्लो स्ट्रेस हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू फ्लो स्ट्रेस इन केस ऑफ इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। सेकेंड वन, इन केस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब ये हो जाएगा सिग्मा टी इक्वल टू के इन टू एप्सिलॉन टी टू दी पावर एन, ये वाला लॉ फॉलो कर रहा होगा। सो अगर ये वाला लॉ फॉलो कर रहा होगा, ये वाला लॉ फॉलो कर रहा होगा, तो इस समय जो फ्लो स्ट्रेस होगा, फ्लो स्ट्रेस जो होगा सिग्मा नॉट विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन टी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इससे लिख लेगा भाई, इससे लिख लेगा। सो गेट में आज तक आया नहीं है लेकिन ये टेस्ट सीरीज में पूछ सकता है तो ये ध्यान रखना, और गेट में भी आया तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रहा तो ये हो जाएगा, अगर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक है तो ये है। सो स्ट्रेन हार्डनिंग रहेगा तो ये दिया रहेगा इक्वेशन, नहीं दिया है मतलब आपको मानना है कि वो इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है। सो वहां से सिग्मा नॉट दैट विल बी द सिग्मा नॉट ए नॉट, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो, है ना, ये अगर आपका सर्कुलर है तो इसका डी एम बोल दिया, इसका मैंने डी नॉट बोल दिया, ठीक है ना। ए नॉट इज द बिलेट एरिया सो डी नॉट इज द बिलेट डाया, ए एफ इज द फाइनल प्रोडक्ट एरिया सो डी एफ इज द फाइनल प्रोडक्ट डाया, ठीक। सो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या? यस सर, लिख सकता हूँ। सो फोर्स को क्या मैं और कुछ तरीके से लिख सकता हूँ? इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देख लेते हैं। इसको ना F इक्वल टू सिग्मा नॉट ए नॉट, सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूं, एप नॉट टू लॉग डी नॉट बाई डी एफ स्क्वायर होगा तो वो टू सामने आ गया। तो फोर्स को ऐसा लिख सकते हो, और अगर स्ट्रेस रहा है ना तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, टू सिग्मा नॉट लॉग ए नॉट बाई ए एफ। सो सिग्मा नॉट को मैंने बताया आपको फ्लो स्ट्रेस है, फ्लो स्ट्रेस है। कभी कभी ना आपका वो एस्ट्रूजन कांस्टेंट के फॉर्म में दे सकता है। सो लेट अस अस्सुम अगर एस्ट्रूजन कांस्टेंट है, हाँ ना, चाहे फोर्स निकालो या आप सिग्मा निकालो, जैसे मैं स्ट्रेस के फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, एक ही बताऊंगा बाकी आपको समझना है। तो सिग्मा इक्वल टू, ये सिग्मा नॉट की जगह मैं के डैश लिखा, के डैश लॉग ए नॉट बाई ए। सो फ्लो स्ट्रेस की जगह, मतलब ये के डैश यहां पे भी आ सकता है, फ्लो स्ट्रेस की जगह के डैश आ सकता है। ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा के डैश इज नोन एज एस्ट्रूजन कांस्टेंट, के डैश इज नोन एज एस्ट्रूजन कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन, इसका भी यूनिट मेगा पास्कल में होगा, बट ऑब्वियस है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है। सो दिस आर द फॉर्मूले विच इज नीड टू यूज इन व्हाट एस्ट्रूजन। और ये चीज जो मैंने बताया वो एस्ट्रूजन ड्राइंग फोर्जिंग सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आगे बढ़ता हूं, आपका एक ड्राइंग के बारे में बताता हूं, वायर ड्राइंग क्या होता है, ये रेस कर रहा हूं भाई। सो जस्ट जो फॉर्मूलेस बोला हूँ वो फॉर्मूले आप कॉपी में नोट कीजिए और जाइए प्रीवियस ईयर। यार ये जो बुकलेट बुकलेट जो चिल्ला रहे हो ना, है ना, बुकलेट तो आपको रखना है तभी आप मेरे साथ चलेंगे,
साथ के साथ ना जितने प्रिपरेशन कर रहे, थोड़ा सा यार ये कोर्स तुम, मैंने बताया कि ऑब्वियसली ये फ्री है ना, लेकिन बाकी जो है थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के यार। एटलीस्ट डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो है ना, या आपको कहीं से किसी सीनियर से हेल्प मिलता है तो वहां से हेल्प ले लीजिए, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे सीनियर्स मेरी काफी हेल्प किए थे, मुझे पता है। अभी पता नहीं क्योंकि वो सिनेरियो चेंज हो गया, हमारे टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा उस तरीके से था कि सीनियर के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता था, रैगिंग वाला पार्ट भी थोड़ा सा था, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छे सीनियर मिले मुझे तो उनसे हेल्प काफी मिलती थी। तो आप लोग भी देखिए कि क्या हेल्प मिल सकता है क्या सीनियर से। तो प्रीवियस ईयर की एक किताब रख लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे सर कौन सी किताब लें, तो मैं तो गेट एकेडमी ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वाकई में अभी टिल नाउ वो मार्केट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा चीजें देने वाला वही किताब है फिलहाल, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बोलूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। मुझे लगता है घूम फिर के आप उसी किताब में आएंगे, गेट एकेडमी की किताब में। तो ये आप जब देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ भाई, अगर मैं बात करूं वायर ड्रॉइंग, वायर ड्राइंग में आप क्या करने वाले हो, आपके पास इस तरीके से डाई रहेगा। सो एक रॉड से मैं एक वायर, ये कोल्ड मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, और मल्टीपल स्टेजेस रिडक्शन कर रहा हूं मैं यहां पे। इस तरीके से कुछ हो रहा है, और लेट अस अज्यूम ये आपका कोई रॉड रहा होगा जिसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। सो पहले स्टेज में ये इतना रिड्यूस हो गया, यहां से ये गया, यहां से ये गया, दूसरे स्टेज में फिर रिड्यूस कर दिया, फिर तीसरे स्टेज में। सो देख रहे हो इसका क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। सो ये फाइनली आपका वायर मिल गया। ये वायर मिल गया, आपका इनिशियल एरिया वह जो बार था उसका ए नॉट मान लिया, और ये फाइनल एरिया है आपका ए एफ, ए एफ। उसके बाद इसको यहाँ पे आप एक कॉइल में है ना इस तरीके से लपेट देते हैं, और ये आपका वायर होने वाला है। तो देख रहे हो कितने स्टेजेस है, ये फर्स्ट स्टेज रिडक्शन हुआ, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फोर्थ के बाद आपको ये मिला वायर, ठीक ना माय डियर। अगर मैं कहूं इस पे कि ये ए नॉट के बाद ये जो मिल रहा है उसको मैंने ए वन बोला, उसके बाद ए वन के बाद ये जो मिल रहा है उसको ए टू बोला, और ये ए टू के बाद ये जो मिल रहा है वो ए थ्री हुआ, और ए थ्री के बाद ये जो मिल रहा है ये ए फोर हुआ, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इस तरीके से मिल रहा है। सो फर्स्ट स्टेज में परसेंटेज रिडक्शन अगर मैं देखूं, परसेंटेज रिडक्शन, सो क्या होगा यार, आपका जो इनिशियल एरिया था, इनिशियल एरिया जो था माइनस आपका जो फाइनल एरिया मिला आफ्टर फर्स्ट स्टेज, सो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज रिडक्शन बोला, डिवाइडेड बाय ए नॉट इन 200। सो ये फर्स्ट स्टेज रिडक्शन होगा। कोई अगर आपको सेकेंड स्टेज पूछ देगा तो सेकेंड स्टेज परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन विल बी व्हाट, ए वन यहां पे था, ए टू यहां पे है, सो ए वन माइनस ए टू डिवाइडेड बाय ए वन इन 200।
सो ये सेकेंड स्टेज में हो गया। सो ऐसे सारे स्टेज में निकाल सकते हैं। कोई आपको ओवरऑल रिडक्शन पूछा, ओवरऑल रिडक्शन कितना हुआ, सो ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन, सिर्फ परसेंटेज रिडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन, सो क्या होगा ओवरऑल ना, ओवरऑल तो क्या होने वाला है, ये फाइनल एरिया है, वो इनिशियल एरिया है, सो इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इन 200, सो ये ओवरऑल रिडक्शन आपको मिलने वाला है। अगर मैं इसमें फोर्स के बारे में बात करूं, एक्सट्रूजन फोर्स, फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो यार एप इक्वल टू आपका ये होने वाला है सिग्मा नॉट इंटू ए एप, इंटू ए एप लॉग ए नॉट बाय ए एप। सो ये जो फोर्स निकाल रहे हो ये ओवरऑल फोर्स है, ऑब्वियसली ये जो लॉग ए नॉट बाय ए एप है, सो ए एप फाइनल एरिया है, ए नॉट इनिशियल एरिया है, सो लॉग ए नॉट बाय ए एप इज नथिंग बट यूर ट्रू स्ट्रेन। सो ट्रू स्ट्रेन आप यहां से यहां तक जो ट्रू स्ट्रेन होगा उसके बारे में आपने बता दिया, उसके बारे में आपने बता दिया, ठीक है ना। सो दैट इज यूर ए नॉट बाय ए एप, ए नॉट बाय ए एप आपको यहां से देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया यार अगर इसमें चार स्टेजेस हैं, है ना, आप बताइए फोर्स, आप बताइए फोर्स आफ्टर फर्स्ट स्टेज, जैसे कि फोर्स आफ्टर फर्स्ट स्टेज, फोर्स आफ्टर फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज के बाद फोर्स बताना है यहां पे, यहां पे। सो यार पहले स्टेज के बाद जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा पता है, ए एप सॉरी फोर्स सिग्मा नॉट यहां पे फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज के बाद आपका क्या लिख रहा है, ये एरिया कौन सा लिख रहा है, ए वन, ए वन इज द फाइनल एरिया आफ्टर फर्स्ट स्टेज, इनिशियल एरिया इज ए नॉट, सो फाइनल एरिया यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज योर ए वन, वही क्योंकि उसी में फोर्स लगने वाला है, आप खींचने वाले हो ना भाई, इसको पकड़ के खींचने वाले हो फाइनल एरिया को, एक्सट्रूजन में क्या कर रहे थे, इधर से धक्का मार रहे थे, सो वायर ड्रॉइंग में इसको खींच रहे हैं तो ये वाला एरिया यहां पे कंसिडर होगा, सो ए वन लॉग लॉग ए नॉट बाई ए वन, ए नॉट बाई ए वन, ठीक, ये आफ्टर फोर्स आफ्टर फर्स्ट स्टेज है ना, या फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज। अगर मैंने आपको बोला फोर्स रिक्वायर्ड ओनली फॉर द सेकेंड स्टेज, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड स्टेज, अगर यहाँ पे दो तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, एक हो जाएगा फोर्स, टोटल फोर्स आफ्टर सेकेंड स्टेज, टोटल फोर्स आफ्टर सेकेंड स्टेज, सो यार ये फर्स्ट स्टेज से आपका सेकेंड स्टेज में टोटल फोर्स अगर निकालना है, सो यहां पे ये एप इक्वल टू सिग्मा नॉट ए टू फाइनल एरिया लॉग ए नॉट बाई ए टू हो जाएगा, ये टोटल फोर्स हुआ सेकेंड स्टेज के लिए टोटल फोर्स। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया फोर्स एट द सेकेंड स्टेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना फोर्स आएगा, सो यार ये ओरिजिनल एरिया था, ये खींच के आपने फाइनल एरिया, तो इसके और इसके बीच है ना फोर्स एट सेकेंड स्टेज ओनली, फोर्स एट सेकेंड स्टेज ओनली अगर मैं कहूं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स एट सेकेंड स्टेज ओनली इट विल बी सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू ए आफ्टर सेकेंड स्टेज ना, सो फाइनल एरिया क्या है ए टू लॉग ए वन, ए वन बाई ए टू। सो इस तरीके से आपका फोर्स फर्स्ट सेकेंड स्टेज ओनली या एट सेकेंड स्टेज ओनली निकल जाएगा, टोटल फोर्स आफ्टर सेकेंड स्टेज, ये टोटल फोर्स आफ्टर ओवरऑल स्टेज इस तरीके से था भाई, इस तरीके से था, ये ए वन दिखा तो है, ये आफ्टर फर्स्ट स्टेज हुआ, ये टोटल फोर्स था, ये टोटल फोर्स था, ये फर्स्ट स्टेज के बाद था टोटल फोर्स आफ्टर सेकेंड स्टेज, और सिर्फ सेकेंड स्टेज के लिए ये अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी।
ठीक, सो दिस इज अबाउट योर फोर्स, फोर्स इन द ड्रॉइंग। सो इसको क्या डाया के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, डाया के टर्म में अगर लिखना चाहो तो फोर्स इक्वल टू यही वाला जो फोर्स है ना इसी के साइड में नीचे में, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। सो डाया के टर्म में अगर लिखना रहा है तो फोर्स इक्वल टू टू इंटू सिग्मा नॉट ए एफ लॉग डी नॉट बाय डी एफ लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका क्या हुआ, डाया के टर्म में आप ड्रॉइंग फोर्स निकाल लिए, ड्रॉइंग फोर्स है ये, वाई ड्रॉइंग फोर्स है, वाई ड्रॉइंग फोर्स। ठीक, दिस इज योर वाई ड्रॉइंग फोर्स। सेकेंड, वायर ड्रॉइंग स्ट्रेस, सिग्मा नॉट क्या था, सिग्मा नॉट फ्लो स्ट्रेस है ना, इससे पहले एक्सट्रूजन में जो बात किया सेम है वही। ठीक है, सो वायर ड्रॉइंग स्ट्रेस अगर निकालना रहेगा, सो ड्रॉइंग स्ट्रेस इक्वल टू फ्लो स्ट्रेस है ना, यहां पे इस तरीके से लिख देता हूँ, फोर्स अपॉन ए एफ एरिया, एरिया ए एफ ले आया, एरिया ए एफ ले आया। ठीक है, और ये हो जाएगा सिग्मा नॉट लॉग ए नॉट बाय ए एफ, ए नॉट बाय ए एफ। सो डाया के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, डाया के टर्म में कैसे टू बस सामने आ जाएगा, मैं तो बता चुका हूं। ठीक, सो दिस इज नोन एज ड्रॉइंग स्ट्रेस, ड्रॉइंग स्ट्रेस। तो इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। ठीक, सो यार देखो एक चीज बहुत ध्यान से सोचना है आपको कि पहले स्टेज में अगर ए नॉट रहा, दूसरे स्टेज में ए वन हुआ है ना, सो ए वन बचा है, रिडक्शन कितना हो गया, ये वाला पोर्शन रिडक्शन हुआ, दैट इज योर ए नॉट माइनस ए वन इज द रिडक्शन। ठीक, ए वन तो बचा है ना, ए वन तो बचा है, तो इस तरीके से निकालना रहेगा, ये इरेज कर रहा हूं। देखिए कभी कभी ना आपको ये भी पूछ सकता है, या मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं कि मैक्सिमम ड्राइंग है ना, मैक्सिमम रिडक्शन, मैक्सिमम रिडक्शन इन ड्राइंग इज पॉसिबल व्हेन, मैक्सिमम रिडक्शन इन ड्रॉइंग, वाई ड्रॉइंग में पॉसिबल तभी होगा, पॉसिबल व्हेन ड्रॉइंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फ्लो स्ट्रेस हो गया, मतलब सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा नॉट हो गया, मतलब मैं कह सकता हूं सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा नॉट लॉग ए नॉट बाय ए एफ था, ए एफ था। सो यस, सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट ये दोनों तो बराबर हो गए, सो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, ये दोनों कैंसल हो जाएगा, मतलब मैं यहां से कह सकता हूं ये वन हुआ तो एंटी लॉग लूंगा तो ई हो जाएगा ई इक्वल टू ए नॉट बाय ए नॉट बाय ए एफ, ये आपको मिल गया। सो मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन, मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन अगर मैं देखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज रिडक्शन इस केस में ए नॉट माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए नॉट इन 200, तो यही तो मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन होगा। सो ये हो जाएगा वन माइनस ए एफ बाई ए नॉट इन 200 इन 200, सो ए एफ बाई ए नॉट इज नथिंग बट वन बाई ई, सो वन माइनस वन बाई ई इन 200 अगर मैंने कर दिया, सो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन, सो वन बाई ई, ई इज नथिंग बट यूर एंटी लॉग वाला ई है ना भाई, ये आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन नहीं है, है ना, ये एंटी लॉग वाला है, सो ये वन डिवाइडेड बाई ई, ये आ रहा 63.21%। सो मैक्सिमम जो रिडक्शन होगा है ना वो आप लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिखना परसेंटेज रिडक्शन जो होगा वो हो सकता है
63.12%. yes, sorry, 21%, 21%. So ये आपका पॉसिबल है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है. सो ये ध्यान रखना भाई. ठीक. सो आपका ड्राइंग में क्या होगा, एक्सट्रूजन में क्या होगा, आपका फोर्जिंग में क्या होगा, ये मैंने बता दिया. वहां से कुछ न्यूमेरिकल मैं अभी करा देता हूं और बाकी न्यूमेरिकल आपको देखना रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द वर्कबुक, क्रैश कोर्स वर्कबुक. कह रहा है अ मेटल रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ दे रखा है एल नॉट, इनिशियल लेंथ एल नॉट इज सब्जेक्टेड टू अ ड्रॉइंग प्रोसेस. ड्रॉइंग का है. द लेंथ ऑफ द रॉड एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस लेंथ दे रखा है एल नॉट 1 + t² वेयर टी इज द टाइम इन मिनट्स. टी क्या बोला है, टाइम है मिनट्स में, मिनट्स में. ट्रू स्ट्रेन रेट, ट्रू स्ट्रेन रेट मतलब पर मिनट में. अगर मैं इसको ट्रू स्ट्रेन बोला तो ये पूछा है ट्रू स्ट्रेन रेट, इसके बारे में पूछा है. और पर मिनट में ना, पर मिनट में आएगा, बट ऑब्वियस पर सेकंड में. मैंने इससे पहले भी बताया आपको क्या शेयर स्ट्रेन रेट याद है मशीनिंग में. ठीक है. सो वैसे ही यहां पर ट्रू स्ट्रेन रेट पूछा है एट द एंड ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के बाद है ना, टी इक्वल टू 1 मिनट पे पूछा है. यार सबसे पहली बात एप्सिलॉन टी ट्रू स्ट्रेन निकाल लेता हूँ. सो ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू लॉग सर है ना एल बाय एल नॉट था सर, लॉग एल बाय एल नॉट था. सो ये ट्रू स्ट्रेन हो जाएगा लॉग एल की वैल्यू कितनी है इंस्टेंटेनियस एल नॉट 1 + t² और आपका एल नॉट ये हो गया, ये कैंसल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा लॉग 1 + t² क्या किया, जस्ट वैल्यूज पुट कर दिया ना. इंस्टेंटेनियस लेंथ मतलब क्या हुआ, दैट इज योर एल नॉट प्लस 1 t² एल नॉट प्लस 1 t² और एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो वही है. सो ये आ जाएगा लॉग 1 + t². ये क्या आया आपका, ट्रू स्ट्रेन आया, ट्रू स्ट्रेन आया. रेट ऑफ ट्रू स्ट्रेन मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो यार टाइम के रिस्पेक्ट में. सो ये क्या हो जाएगा 1 / t² वापस इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2t यही हुआ. सो रेट ऑफ ट्रू स्ट्रेन ये मिल गया. रेट ऑफ ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई, इसको अगर मैं एप्सिलॉन टी डॉट, रेट ऑफ ट्रू स्ट्रेन को टी डॉट मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन है उसका, ये समझिएगा है ना, आगे कई बार काम आएगा जीवन में. सो एप्सिलॉन डॉट टी अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 2t 1 + t. और अगर t इक्वल टू वन मिनट पे सो एप्सिलॉन टी रेट ऑफ ट्रू स्ट्रेन विल बी 2 × 1 1 + 1 2 मतलब आपका 1 per minute विल बी द आंसर, 1 per minute will be the answer. So direct put करना था यार, अगर अपने को पता है ना चीजें, अगर अपने को पता है तो हम आसानी से ये चीजें apply करके निकाल सकते हैं, ये चीजें आसानी से आप निकाल सकते हो. True strain बस पता होना चाहिए. ठीक, आगे मैं बात करता हूँ. ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है ट्रू स्ट्रेस इन मेगा पास्कल वर्सेस ट्रू स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर मेटल इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू, ट्रू स्ट्रेस है ये ऑब्वियसली, वो दे रखा है 1020 एप्सिलॉन 0.4. द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द स्टार्ट ऑफ टेस्ट व्हेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वैल्यूज इक्वल टू जीरो मतलब ए नॉट ओरिजिनल एरिया आपको दे रखा है 100 mm². द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द टाइम ऑफ नेकिंग मतलब एट द मैक्सिमम लोड, नेकिंग कब आएगा, मैक्सिमम लोड पे आएगा. सो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है मैक्सिमम लोड पे. ठीक. सो एट द टाइम ऑफ नेकिंग मतलब एट मैक्सिमम लोड, सो एट मैक्सिमम लोड. अगर मैं मैक्सिमम लोड पे बात करूं सो यार आपका एप्सिलॉन टी इक्वल टू एन पढ़े थे क्या अपन,
एट द यूटीएस और मैक्सिमम लोड कंडीशन। बिल्कुल सर। सो एप्सिलॉन टी इक्वल टू एन, एन मतलब यहाँ पे कितना है 0.4 इक्वल टू, मेरे पास तो फॉर्मूला है लॉग ए नॉट बाई ए एफ, इसमें ए एफ या इंस्टेंटेनियस एरिया ए, इसी के बारे में पूछा है कि आपको, आपको पूछा है इस क्वेश्चन में कि भाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द टाइम ऑफ नेकिंग, मतलब नेकिंग के टाइम पे एरिया क्या होगा, तो यही निकालना है। मैक्सिमम लोड के कंडीशन पे मैं स्ट्रेन ले लिया, ट्रू स्ट्रेन, ठीक। सॉरी, ठीक है भाई। सो ये हो जाएगा आपका 0.4, इसको ना एंटी लॉग ले लेता हूं, एंटी लॉग ले लिया तो e टू द पावर 0.4 ए नॉट बाय ए, और ए ही आपको निकालना है, तो यहां से मैं कह सकता हूं ए इक्वल टू ई टू द पावर 0.4 ए इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाय ई टू द पावर 0.4 ई टू द पावर 0.4। सो ए नॉट कितना है 100 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 0.4 will be the answer। सो एक चीज आप देख रहे हैं, अगर पता है ना तो सारे सवाल बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। अगले सवाल के बारे में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में अगर मैं बात करूं, सो ये दे रखा है कि यार ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज गिवन बाय सिग्मा 1400 एप्सिलॉन टू द पावर 0.33 वेयर सिग्मा इज इन मेगा पास्कल ट्रू स्ट्रेस एट द मैक्सिमम लोड। ओ माई गॉड, मैक्सिमम लोड इट मीन्स दैट एप्सिलॉन इक्वल टू एन एप्सिलॉन टी, ये एप्सिलॉन टी है, सो एप्सिलॉन इक्वल टू डायरेक्ट एन दैट इज योर 0.3। मतलब आपको अगर ट्रू स्ट्रेस निकालना है एट द मैक्सिमम लोड कंडीशन, सो आपका 1400 इंटू 0.3 टू द पावर 0.3 हो गया खत्म, टू द पावर 0.3 हो गया भाई, है ना। एप्सिलॉन की जगह एन रख दिया मैक्सिमम लोड कंडीशन में, सो यहां से जो भी सिग्मा आएगा वही आपका मैक्सिमम लोड में ट्रू स्ट्रेस हो जाएगा, वही मैक्सिमम लोड में आपका ट्रू स्ट्रेस हो जाएगा। कितना आ रहा है 1431 मेगा पास्कल, 971 मेगा पास्कल। आसान, बहुत ही आसान, है ना। सो आप देख सकते हैं कि गेट में किस तरीके के सवाल आए हैं। अगर अब धीरे से आगे बढ़ता हूं भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, ये एस्ट्रूजन का क्वेश्चन है, कह रहा है अ ब्रास ब्लेड टू इज टू बी एक्सट्रूडेड फ्रॉम द इनिशियल डायमीटर D नॉट 100 mm गिवन इन द क्वेश्चन, फाइनल डायमीटर DF 50 mm, द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एस्ट्रूजन कॉन्स्टेंट। तो उसमें कॉन्स्टेंट दे दिया, तो अपने को टेम्परेचर से कोई लेना देना है क्या? नहीं, वो तो डायरेक्ट कॉन्स्टेंट दे दिया उस टेम्परेचर पे, दैट्स ओके यार, और वो दिया ही रहेगा गेट एग्जाम में, या तो फॉर्मूला दिया रहेगा। So 250 मेगा पास्कल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द एस्ट्रूजन बोला है, सो फोर्स इक्वल टू, अगर मैं कहूं सो टू इंटू के आपका फोर्स लिखा रहा हूं, तो के इंटू ए नॉट लॉग डी नॉट बाय डी एफ। सो पुट द वैल्यूज यहाँ पे, अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूँ तो 2 इंटू के मतलब 250 मेगा पास्कल हो जाएगा, इंटू एरिया विल बी पाई बाई 4 100 स्क्वायर इंटू लॉग
डी नॉट बाई डी एफ 100 बाई 50 सो एप की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एप की वैल्यू इसमें कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं, 2 × 250 × ये आ रहा है 2.72 टू द पावर इंटू 10 to the power 6, मतलब 2.72 मेगा न्यूटन। मेगा न्यूटन विल बी द आंसर। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, होपफुली सही है। ठीक है, सही है ना, सो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब ना 36 और 37 ये आपका होमवर्क रहेगा, वाई ड्राइंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये होमवर्क जिनके पास पीडीएफ है वो आराम से कर लेंगे, जिनके पास नहीं है एफर्ट लगाओ यार, पीडीएफ नहीं ढूंढ पा रहे हो, एक पीडीएफ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कैसे होगा फिर गेट एग्जाम। आप स्मार्ट, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट, है ना। और मैं पहले ही बोल दिया था, जिस दिन आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसी दिन आप स्मार्ट हो, बस करते वो है कि उसको बाहर निकाल। यार मैं जिस तरीके से था, जहाँ था, जैसी जगह से बिलोंग करता हूँ मैं, है ना, ऑब्वियसली जब मुझ में ये चीज़ें आ सकती है तो आप में तो आ ही सकती है, बस सत्य ये है पहचानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। एंड जो मैं कह रहा हूँ वो करना है भाई, होमवर्क रहेगा। मैं टिल नाउ क्वेश्चन नंबर 35 तक कराया हूँ, है ना, 35 तक कराया हूँ, आपको 36, 37 वो होमवर्क करके आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से आगे बात करूँगा। और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, मुझे अप्रिशिएशन जितना मिलेगा। जैसा आज के वीडियो में आप देखोगे थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो मज़ा आ गया होगा आपको, कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में डाल दिया, ठीक है ना। सो होपफुली ये मज़ा आया होगा, एंड आपसे सवाल हो रहे होंगे, आपको प्रिपरेशन में मजा आना शुरू हो गया होगा, आपको लग रहा है अब कि हाँ यार ये अब मेरे बस की बात है, ये चीज़ अब मैं कर सकता हूँ, यस। तो टेक्निकल, जिस दिन इंजीनियरिंग में ये एडमिशन लिए हो ना, तो टेक्निकल एग्जाम आपके बस की ही बात है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, आप आराम से कर सकते हो। मुझे तो उन लोगों से ज़्यादा खौफ लगता है जो अपना फील्ड छोड़ के दूसरे के फील्ड में जाते हैं, जैसे नॉन टेक फील्ड में जाते हैं। यार इसमें तो हम आराम से कर सकते हैं ना, सो इसको जस्ट फॉलो करो और जान लगा दो यार, जान लगा दो। ठीक ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।